लक्ष्मी के भाव से आठों राज्यों ने एक मुस्त होकर एक क्षेत्र के नाते अपने अस्तित्व को बनाना पड़ेगा, ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि आठों राज्यों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है, आठों राज्यों का विकास एक दूसरे पर आधारित। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य उनके लिए पहली प्राथमिकता रहे हैं। उनकी नजर में पूर्वोत्तर के इलाकों को विकास और समृद्धि की मिसाल बनाने का सपना सबसे प्रमुख रहा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दिल्ली किसी दूसरे देश की तरह थी, लेकिन केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर तक लाने के लिए पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 35 दौरे किए। सरकार का पूरा जोर समावेशी विकास, क्षेत्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर पूर्वोत्तर की प्रगति पर है। पूर्वोत्तर में चल रही परियोजनाओं से जुड़े तमाम तथ्य विकास पर मोहर लगाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पिछले 6 साल में मोदी सरकार का बजट 2,65,000 करोड़ रहा, जो उससे पहले यूपीए सरकार के 6 साल में 65,000 करोड़ के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय देश का पहला ऐसा मंत्रालय है जिसे कुछ खास क्षेत्रीय अधिकार मिले हैं। इस मंत्रालय को केंद्र सरकार की ओर से बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण और संचार के विकास के लिए दिए गए बजट का समय पर इस्तेमाल नहीं होता तब भी केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती, बल्कि 2014 से ही इस मंत्रालय को मिलने वाली आर्थिक मदद लगातार बढ़ाई जा रही है। साल 2019-2020 में मंत्रालय ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बजट का 100% इस्तेमाल करके विकास की दिशा में नया और प्रभावी कदम बढ़ाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और कल्याण से जुड़े काम करने वाले विभागों के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। इन विभागों पर अपना काम समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। 2019 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो परियोजनाएं लाए उसमें अरुणाचल के त्वांग में सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाना, असम में 75 हेक्टेयर जमीन पर बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करना, मणिपुर और सिक्किम में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, त्रिपुरा में TSECL के सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाकर 400 केवी तक करना, उत्तरी सिक्किम में 2 लेन के कैंटिलीवर पुल का निर्माण करना, मेघालय में मुकरोह उम्पर सड़क बनाने के अलावा सभी 8 राज्यों को इंद्रधनुष गैस ग्रिड कनेक्शन से जोड़ना शामिल है, जबकि इसके लिए 1656 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों के नेताओं की केंद्र में बड़ी भागीदारी और उन राज्यों के विकास के लिए सबसे अहम है। 2019 के चुनाव में उत्तर पूर्व के राज्यों से संसद तक पहुंचने वाले 24 में से 17 सांसद बीजेपी के हैं। अराइवल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। जबकि मोदी सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बीते कुछ साल में इस इलाके में हिंसक घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। ये उन कोशिशों का नतीजा है जिसने इलाके में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान दिया और विकास के नए मापदंड स्थापित किए। इनमें बोडो शांति समझौते के लिए 1500 करोड़ का पैकेज देना, त्रिपुरा में ब्रू रियांग शरणार्थियों को बसाने की पहल, असम समझौते के लिए हाई लेवल कमेटी बनाना, कार्बी विद्रोह को खत्म करने के लिए कार्बी शांति समझौता करना, मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करना, त्रिपुरा में 30 साल से सक्रिय NLFT उग्रवाद को खत्म करने के लिए शांति समझौता करना और बांग्लादेश से जमीन की सीमा समझौता करना शामिल है। बांग्लादेश के साथ जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, आने वाले 1 दशक के बाद बॉर्डर का जो एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास का गेटवे बनने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमाओं को लेकर सारी कोशिशें सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों से लगने वाले देशों के साथ बॉर्डर संधि से भी जुड़ी हैं। इससे भारत के सीमांत इलाकों को फायदा मिलेगा। एक समय था जब उत्तर पूर्वी राज्यों से सिर्फ उग्रवाद, घुसपैठ, नाकेबंदी और नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी की खबरें आती थी, लेकिन अब मौजूदा दौर में हालात काफी बदल चुके हैं। अब यहाँ विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर,
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, निवेश और ऐसी कई अच्छी खबरों की चर्चा होती है।